नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ करवा चौथ जो है वो क्यों मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत लंबे टाइम से चली आ रही हैं और उसके पीछे क्या कारण है, उसके पीछे का क्या राज है वो नहीं जानते। देखिए, महिलाएं तो बहुत सारी मुझे लगता है जानती होंगी क्योंकि करवा चौथ का व्रत करती हैं, उसके बाद में जब वो पूजा करती हैं तो वो कहानी कथा जो है वो पढ़ती हैं कि इसके पीछे क्या लॉजिक है। तो जो नहीं पढ़ता है उन सभी के लिए मैं आज ये जो वीडियो है वो शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता चले पर करवा चौथ का व्रत मनाया क्यों जाता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है, ये जो कार्तिक मास है उसके कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अभी ये है कि इसके पीछे कई सारी कहानियां प्रचलित हैं। मुख्य रूप से दो कहानियां जो हैं वो मानी जाती हैं कि इसीलिए करवा चौथ मनाया जाता है। तो आज वो दो कहानियां मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। उससे पहले अभी तक जिन भी महिलाओं ने व्रत रखा है तो उनकी, उनके पति की, उनके फैमिली की जो आयु है वो दीर्घायु हो, इसकी मैं कामना करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहली कहानी ये है कि एक करवा नाम की महिला थी और वो करवा नाम की महिला जो थी वो काफ़ी पतिव्रता थी, मतलब पति को बहुत मानती थी, उनकी इज्जत करती थी, उनकी सेवा करती थी, उसके मन में केवल उनके पति ही रहते थे। तो ये हुआ कि इतनी सेवा भाव भी था, प्रेम भी था उसका अपने पति के प्रति। तो एक बार क्या हुआ, उसका जो पति था वो क्या हुआ, स्नान करने गया, और कहाँ पे, जैसे ही वो नदी में स्नान करने गया तो उसका पैर एक मगर ने पकड़ लिया। अभी मगर ने जैसे ही पैर पकड़ा तो वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लग गया कि अरे मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। तो वो करवा जो स्त्री है, क्योंकि करवा चौथ इसी के नाम से मनाया जाता है, तो वो क्या हुआ, वो वहाँ पे गई और उसने जाके क्या किया कि देखा एकदम से मगर ने पैर पकड़ा हुआ था, तो उसने एकदम से एक सूती का धागा, देखिए पॉसिबल नहीं है, अभी कई सारे लोग ऐसा कहेंगे कि एक सूती के धागे से कैसे मगर को पकड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है, परंतु यहाँ पे यही दिखाया है कि एक पतिव्रता स्त्री की कितनी शक्ति होती है, उसमें इतनी शक्ति है कि वो एक सूती धागे से उस मगर का जो है वो बांध देती है। अभी यहां तक तो हो गया, उसने बांध दिया, उसके बाद में क्या हुआ, पति को बचाना चाह रही थी वो, तो यमराज आ गए। तो यमराज से उसने कहा कि देखिए मगर को तो आपको मारना पड़ेगा और मेरे पति को बचा लीजिए। तो वो यमराज ने कहा देखो ये तो पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, तो उन्होंने कहा इस मगर के अभी काफ़ी सारे दिन जो हैं वो शेष हैं, तो मैं अभी उसको मृत्युदंड तो नहीं दे सकता। तो स्त्री ने कहा अगर आप मृत्युदंड नहीं दे सकते तो मैं आपको श्राप दे दूंगी। अभी देखिए यहाँ पर भी आप देखेंगे कि एक स्त्री में कितनी शक्ति होती है कि वो श्राप दे देगी, उससे यमराज तक डर गए। और यमराज ने क्या किया, उनके श्राप से, कहीं वो मुझे श्राप ना दे दे, उस डर से उसने क्या किया, मगर जो है उसको मार दिया और उसके पति को जीवन दान दे दिया। तो यहां पर मतलब पति मरते मरते एक स्त्री ने अपने पति को बचा लिया। तो ये जो शक्ति है, इस शक्ति के लिए ही करवा चौथ जो है वो मनाई जाती है, करवा उस स्त्री के नाम पे, और वो चतुर्थी का दिन था तो तब से करवा चौथ जो है वो मनाना शुरू कर दिया। अभी करवा चौथ में आपने देखा होगा महिलाएं जो हैं वो पूरे दिन खाना नहीं खाती हैं, और फिर शाम के टाइम में जब रात को चंद्रमा निकलता है तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में, उसकी पूजा करने के बाद में फिर वो खाना खाती हैं। तो एक कहानी तो हो गई ये, फिर उसके बाद में क्या है, एक कहानी और प्रचलित है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे जो महिलाएं हैं वो कहानी ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हैं, सुनती हैं, या फिर उसी को माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। 7 बेटे 1 बेटी हो गई। अब 7 भाइयों के बीच में 1 बहन है तो कितना प्रेम होगा उन भाइयों का अपनी बहन के प्रति, वो तो आप जान ही सकते हैं। तो वो भाई जो थे बहुत लाड़ करते थे अपनी बहन को। अभी बहन का क्या था, करवा चौथ का दिन था, करवा चौथ के दिन में वो बाई चांस ऐसा था कि वो मायके आई हुई थी और मायके में उसने व्रत रखा, पूरे दिन भूखी प्यासी रही, बहुत मन से उसने पूजा पाठ भी करने लगी। तो क्या हुआ, सभी भाई जो थे वो शाम को जब आए और खाना खाने के लिए बैठ गए, अब उन भाइयों से नहीं देखा जा रहा था कि उनकी बहन भूखी कैसे रहे, तो उन्होंने सोचा एक काम करते हैं, झूठा चंद्रमा दिखा देते हैं और बहन को कहेंगे देखो चंद्रमा निकल गया, तो तुम ऐसा करना वो खाना खाने बैठ जाएगी तो भूख, उस मतलब भूख की नहीं रहेगी हमारी बहन। मेन उनका उद्देश्य ये था, देखिए इंटेंशन भाइयों का भी ख़राब नहीं था, परंतु बाई चांस कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा इंटेंशन सही होता है परंतु हम कुछ गलती कर बैठते हैं जिसको पूरी लाइफ भुगतना पड़ता है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, भाइयों ने ऐसे ही किया, सोचा कि काम करते हैं, एक पीपल के पेड़ के पीछे से थोड़ा सी रोशनी दिखाएंगे, आग जला देते हैं, चाहे दिया जला देते हैं, कहीं लिखा हुआ है आग जलाते हैं, कहीं लिखा हुआ है दिया जलाते हैं, और जब चंद्रमा का सा एहसास होने लग जाएगा तो वो क्या करेगी, वो अर्घ्य देगी चंद्रमा को और खाना खाने बैठ जाएगी। और हुआ भी ऐसा ही, उसने जैसे ही दिखाया, जो बहन थी वो बहुत खुश हो गई कि देखो चंद्रमा तो निकल आया, एक काम करती हूँ, अब सब हो गया है अच्छे से, तो खाना खाने में बैठ जाती हूँ। वो जैसे ही खाना खाने बैठ गई, पहला खाना खाया तो ऐसा बोलते हैं, पढ़ा भी है मैंने, कि पहले खाने में उसके क्या हुआ था कि छींक आ गई थी, दूसरा टुकड़ा खाया उसने तो दूसरे टुकड़े में उसके बाल आ गया, और तीसरा टुकड़ा जैसे खाया तो उसके पास खबर आ जाती है कि उसके पति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अभी जैसे उसको पता चला पति की मृत्यु हो गई तो भाइयों को भी बहुत अफसोस हुआ कि अरे तो बहुत गलत हो गया, परंतु वो जो लड़की थी, जो बहन थी उनकी, उसने सोच लिया कि मेरा पति जो है वो मेरे कारण उसकी मृत्यु हुई है, क्योंकि मैंने करवा चौथ का व्रत जो है वो अच्छे से मैं पूर्ण नहीं कर पाई, अब मैं एक साल तक इंतजार करूंगी और उसके बाद में पूरे अच्छे तरीके से मैं करवा चौथ का व्रत करूंगी और अपने पति को पुनः जीवित करूंगी। तो आपने देखा होगा, देखो कई ज्यादातर करवा चौथ के दिन क्या किया जाता है, या तो शिव जी, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सभी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, एक साल तक उनकी पूजा भी करी और इंतजार किया, और फिर उसके बाद में पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत किया, चंद्रमा को देखने के बाद में उसने अपना भोजन ग्रहण किया, और उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में उसको पति को जीवन दान मिल गया। मतलब उसने क्या किया था, अंतिम संस्कार नहीं किया था अपने पति का, तो एक साल के बाद में तक उसके पास में बैठी रही और वो पति जो था वो पुनः जीवित हो गया। तो इतनी शक्ति है महिला में, महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो तब से क्या है, कहा जाता है कि करवा चौथ का व्रत जो है वो कोई भी स्त्री छोड़ती नहीं है, मतलब ज़्यादातर जो भी स्त्रीज हैं वो क्या करती हैं, व्रत करती ही करती हैं, और पूरे अच्छे से मन से व्रत करती हैं। तो यहाँ पे ये दोनों जो कहानियाँ हैं ये प्रचलन में है। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा कि कई सारे लोग जो हैं वो सुबह 5 बजे मतलब दिन निकलने से पहले कुछ खा लेते हैं, या फिर कितने जने होते हैं जो पानी तक भी नहीं पिया जाता है इसमें, और फिर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में ही भोजन किया जाता है। तो यहाँ पे आजकल आपने देखा होगा कई सारे जो पुरुष हैं वो भी अपनी पत्नियों के लिए व्रत रखते हैं, अपना जो प्रेम है वो जाहिर करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन मेनली देखा जाए तो पति पत्नी का दिन है, दोनों जने जो हैं वो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है उसका इजहार करते हैं, पत्नी जो है वो अपने पति के लिए दीर्घायु की कामना करती है, कई सारे पति जो हैं वो अपनी पत्नी की दीर्घायु की कामना करते हुए वो व्रत रखते हैं, या फिर पूरे दिन उनके लिए केयर करते हैं, कई सारे लोग गिफ्ट लेके आते हैं, उपहार आते हैं, तो बहुत ही अच्छा दिन है, एंजॉय करना चाहिए। अभी हिंदू में देखा जाए तो बहुत ही मुख्य त्योहारों में से माना जाता है, हिंदुओं में शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पे करवा चौथ को नहीं मनाया जाता होगा, सभी जने मनाते हैं, सारे हिंदुओं का बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, त्योहार की तरह, पर्व की तरह मनाया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आप तक यही पहुंचाना चाहती थी स्पेशली कि क्यों मनाया जाता है, कई सारी चीज़ें हम करते रहते हैं परंतु हमें पता नहीं होती कि एक्चुअल में क्यों की जा रही है। तो आज इन दोनों कहानियों के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अगर ये व्रत मनाया जाता है तो इसको जो भी जने आप व्रत कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से विधि विधान से प्रॉपर नियमों का पालन करते हुए करें, क्योंकि स्पेशली जब ये कहानियाँ पढ़ ली जाती हैं तो महिलाएँ जो हैं वो और भी ज़्यादा ध्यान रखती हैं कि हमसे कोई चूक नहीं हो जानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ और कामना करती हूँ आप सभी की दीर्घायु की। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन हैप्पी करवा चौथ।